Hello everyone, in this video I explain the lesson number 3, give and take. Now the lesson heading is give and take. What is the meaning of give? Give means हम किसी को देते हैं. Okay, अब हम कब देते हैं? जब addition में हमारे पास 9 से ज्यादा मतलब 10 या 11 आंसर आता है तब हम कैरी आगे वाले प्लेस को देते हैं. मींस गिव का यहाँ पे मतलब क्या होता है? एडिशन. क्या मतलब होता है गिव का यहाँ पे? एडिशन. एंड टेक मतलब अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर पे गेस्ट आ गए, अब मुझे मेरे घर पे तो सिर्फ 3 आइसक्रीम है और मेरे घर पे गेस्ट आ गए 6, तो मुझे और ज्यादा आइसक्रीम चाहिए ना, तो मुझे लाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. कहाँ से लेना पड़ेगा? शॉप से. ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब जब पॉसिबल नहीं होता सब्ट्रैक्शन तो हम आगे वाले प्लेस से हम लेते हैं, तो टेक को कहते हैं सब्ट्रैक्शन. अंडरस्टैंड? टेक को क्या कहते हैं यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन. नाउ हियर वन ऑफ द स्टोरी इज गिवन. आई एम किट्टू, दिस इज माई होम. ये किट्टू है, आंट है. किट्टू मतलब आंट है यहाँ पे, और ये उसका घर है. Isn't it huge? देखा आपने उसका घर कितना बड़ा है. It has 100 rooms. ये जो किट्टू है, जो ये आंट है, उसके घर में 100 rooms है. Help me in painting some of the rooms. अब उसको कई कई rooms को कलर करना है, अब उसके लिए हमें उसको हेल्प करनी है. पर उसको कौन कौन सी rooms को कलर करना है तो उसके लिए नीचे हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कलर करना है. I start from room 2. मैं कलर की शुरुआत start 2 से कर रही हूँ. I add 10 to 2 to reach the room 12. Now you know very well, अगर हम 2 में 10 add करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा. And paint it. यहाँ पे वो 2 में 10 add करती है तो उसको 12 number मिला जिसको उसने color किया है. To add 10 to 2, we can go all the way to the right to 10. जब हमें 10 में 2 add करना है या तो 2 में 10 add करना है तब हमें 2 की right side पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मतलब 2 की right side पे अगर 10 steps जाओगे तो आपको 12 मिलेगा. Then up to 11 and the one step right to 12. आप 11 पे जाओगे और एक स्टेप आगे जाओगे राइट साइड तो आपको 12 मिल जाएगा. इज देयर अ शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स, फॉलो मी. कौन सा शॉर्टकट है? अब 2 टू 12 को जाना है तो कौन सा शॉर्टकट हम यूज करेंगे? तो वी कैन जंप अप वन रो. हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 से ऊपर एक रो जंप कर देंगे. अ जंप फ्रॉम 2 टू 12 इज लाइक अ टेकिंग ब्लैंक स्टेप. जब हम 2 से डायरेक्ट 12 स्टेप पर जंप कर रहे हैं तो हमने कितने स्टेप्स लिए? अब आपको याद हो तो मैंने आपको स्किप काउंटिंग सिखाया था. अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक स्किप काउंटिंग का स्नेक के ऊपर नंबर्स ड्रॉ करके भी वीडियो सेंड किया है. अब जब हम 2 से 12 के ऊपर डायरेक्ट जंप करते हैं मतलब हम 10 स्टेप्स जंप करते हैं. कितने स्टेप्स जंप करते हैं? 10. बिकॉज यहाँ पे कौन सा प्लेस ऐड हुआ? 10th प्लेस ऐड हुआ, मतलब हम 10 स्टेप्स जंप कर रहे हैं. आगे नेक्स्ट पेज नंबर 30. नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14. अब यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जो ये 14 है यहाँ पे पेज नंबर 29 पे, यहाँ पे जो 14 नंबर का रूम है अगर उसको डायरेक्ट वो 24 पे जाना है तो कितने जंप आएंगे? अगेन 10 स्टेप्स, राइट? 10 जंप उसको करने हैं. तो नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम द 14 से अगर वो ऊपर जाएगा मतलब 4, 14 and 24 मतलब 10 स्टेप्स उसको जंप करने हैं. तो 14 plus 10 is equals to 24 एंड कलर दिस रूम्स मीन्स इन दिस यू शुड कलर इट. आपको यहाँ पे कलर करना है. आपका जो भी कोई फेवरेट कलर हो वो आप कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41. अब यहाँ पे 22 to 41 जाना है. आपको यहाँ पे दिखाया भी है. पहले हमने क्या सीखा? 10 स्टेप्स ऐड करने हैं. ओके, अब 22 से 10 स्टेप्स ऊपर जाओगे तो 32, अगेन 10 स्टेप्स ऊपर जाओगे तो 42,
ओके, बट यहाँ तो 44 जाना है, मतलब 42 से 2 स्टेप्स अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 44 मीन्स 22 प्लस 10 प्लस 10 एंड प्लस 2, 10 10 एंड 2 मीन्स 22. व्हाइल यू एड 20 इन 22 देन यू गेट 44. ओके, यहां पे क्या दिया है, 22 टू 41 जाना है. ओके, अब 41 जाना है तो उल्टा लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा. अब हम डायरेक्ट 22 से 10 10 स्टेप्स करके 42 पे तो चले गए, पर 41 के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा, है कि नहीं. तो यहां पे ये 10 और एक स्टेप वापस आए, मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 स्टेप हो जाएगा. ओके, तो देन वन स्टेप लेफ्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 22 प्लस 20 ये दोनों मिल गया हमें 42. 42 से हम एक स्टेप लेफ्ट जा रहे हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे. जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तब हम प्लस करेंगे, पर जब हम उल्टा जाएंगे, बैकवर्ड आपको पता है ना, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हम उसमें उल्टा जाते हैं, तब हम यहाँ पे माइनस 1 करेंगे, तब हमें 41 मिलेगा. तो हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल, इसमें आप कितने स्टेप्स गए. तो यहाँ पे 10 है, ओके, 10 स्टेप्स और आप गए, पर इसमें से एक आपने माइनस भी किया है, रिमेंबर इट. ओके, तो ये 10 और इसमें से एक माइनस किया, मतलब 9, तो यहां पे आएगा 19. अंडरस्टैंड, यहां पे कितने स्टेप्स आएगा, 19. यू कुड ऑल्सो गो दिस वे, आप दूसरी तरीके से भी जा सकते हो, कैसे जा सकते हो. अब हमने डायरेक्ट क्या किया, 22 से 10 स्टेप 32, 32 से 10 स्टेप्स 42, और फिर एक स्टेप लेफ्ट चले गए. अब दूसरी तरीके से करते हैं, फ्रॉम 22 टेक वन स्टेप लेफ्ट टू 21, 22 से एक स्टेप लेफ्ट जाओ, मतलब एक कम कर देंगे, 21 हो गया. नाउ 21 देन 10 एंड देन 10, बट ऑलरेडी यू सब्ट्रैक्ट 1, हाँ, रिमेंबर दिस, हियर 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, बिकॉज हम 22 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा. 21 में 10 10 स्टेप्स ऐड करेंगे तो 41, अगेन 20 स्टेप्स और दिस माइनस 1 मीन्स अगेन यू गॉट 19 स्टेप्स. फाइंड माई फूड, अब उसको फूड ढूंढ के देना है, फूड कहाँ है उसका, तो जो पेज नंबर 31 है वहां पे अगेन उसका हाउस दिया है, उसमें हमें कलर्स करने हैं, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दी है उसमें जो आंसर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे कलर करना है, और उसका फूड भी हमें ढूंढ के देना है. ट्राई दिस ऑन किट्टूज होम, हम ये सब किट्टू के होम पे ट्राई करेंगे. हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मतलब हमें पसंद आए वैसी चीज यहाँ पे है. माँ टोल्ड मी देर आर स्वीट्स सो टू ईट इन सम रूम्स, यहाँ पे जो कई थोड़ी रूम्स है उसमें क्या है, स्वीट्स है जो खानी है, कोई कोई रूम में ही स्वीट्स रखी है, सब में नहीं है. हेल्प मी फाइंड दैट रूम, जो रूम में स्वीट्स रखी है वो हमें उसको ढूंढ के देनी है. द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम, जो आंसर्स है इसके वो हमें यहां से मिल सकते हैं ऑन अ पेज नंबर 31. मार्क देम इन माय होम, आपको यहाँ पे मार्क करना है, अगर आपको कलर करना है तो यू कैन. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज 10 लेस देन 34 इज, मतलब 34 से 10 स्टेप कम करने हैं. ओके, तो 34 से 10 स्टेप्स आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा. ओके, तो 34 से डायरेक्ट 10 स्टेप्स नीचे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 24. तो यू कैन राइट डाउन हियर. एंड वन अनदर थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, लेस देन मीन्स माइनस, लेस देन मीन्स सब्ट्रैक्शन. तो हियर आई डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ 34 एंड 10 एंड आई गॉट हियर 24. दैट आफ्टर डायरेक्टली हियर गिवन दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 53 एंड 20, इट इज अ 53 माइनस 20. नाउ हियर आई हैव ऑन अ 53, जो आंट का हाउस है वहां पे मैं 53 पे हूं. 20 माइनस करने हैं मीन्स हम 10 10 स्टेप्स नीचे जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा आंसर. यहाँ पे मैंने बी लिखा, यहाँ पे ए लिखा, फिर आपको भी इसको कलर करना है, तो आई गॉट हियर 33 आंसर. तो आई एम राइटिंग हियर 33. और यू कैन ऑल्सो से दैट आई ऑलरेडी टॉट यू
in your second grade of the subtraction. Always your addition and subtraction must start from the ones place. वो ones place से ही शुरू होता है. 3 minus 0 तो 3 आएगा. हम कोई भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा. मतलब मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, उसमें से एक भी चॉकलेट मैंने नहीं खाई, तो मेरे पास कितनी बाकी रहेगी? 5 रहेगी. मींस हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही का वही नंबर मिलेगा. अंडरस्टैंड? देन नाउ 5 माइनस 2, आई हैव अ 5 चॉकलेट्स, ओके, और उसमें से मैंने 2 खा ली तो कितनी रही? 3, ओके. तो दिस वे ऑल्सो यू डू द सब्ट्रैक्शन. 11 मोर देन 31 इज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर देन? आई ऑलरेडी टॉट यू इन सेकेंड ग्रेड, इट इज अ प्लस. तो 31 प्लस 11, अब यहां पे जाते हैं 31 से 11 स्टेप्स. तो पहले हम 10 स्टेप्स ऊपर जाएंगे तो 41 मिलेगा, और एक और स्टेप्स राइट साइड जाएंगे तो 42. मींस आवर आंसर ऑफ द C1 इज 42. तो हियर यू राइट द आंसर आल्सो 42 एंड कलर इन दिस ग्रिड. नाउ ऑन द पेज नंबर 31, ब्लैंक्स नंबर डी, 11 लेस देन 66 इज. 66 में से 11 स्टेप्स लेफ्ट जाना है, ओके, मतलब माइनस करना है. लेस देन का मीनिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन. तो 66 माइनस 11, यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे 66 पे हूं, 10 स्टेप्स नीचे जाऊंगी तो 56 मिलेगा, और माइनस है इसीलिए मुझे लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, तो लेफ्ट साइड पे 1 स्टेप जाएंगे तो 55. तो माय आंसर ऑफ द D1 इज 55. एंड यू कैन ऑल्सो डू द सब्ट्रैक्शन ओरली ऑल्सो. I already explained you, we should start our subtraction from the ones place. 6 minus 1, you get 5. Again, tens place, 6 minus 1, you get 5. So your answer is 55. Now the even blank, 62 plus 13. Now, directly also you can do, okay? Or otherwise you use this grid. But students, in the exam or in a test, I am not giving this type of grid. You can do the addition directly. Okay. So first of all here, I show you I stand on a 62 and I jump 13. But that first I jump 10, then I on a 72, and then after addition is there. So that's why I move the 3 steps right side. 73, 74 and 75. So your answer of that E1 is 75. And here also I explained like we start addition first from the ones place. 2 plus 3. 2 after 3, 4, 5. Then I got on a ones place 5. 6 plus 1, then 7. So I write here 7. So you can see that from the grid se bhi 75 answer aaya, aur addition se bhi 75. Okay. F1, 23 less than 89 is. मीन्स 89 में से कम करना है 23. ओके, हम ओरली करेंगे, अब हम ग्रिड का यूज नहीं करेंगे. हाँ, आप लोगों को ग्रिड को कलर करना है, वो होमवर्क में कर देना. जो भी आंसर हमें मिलता है उसका कलर हम क्या करेंगे? होमवर्क में कर देंगे. अब वी स्टार्ट अवर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम द वंस प्लेस. 9 माइनस 3. 9 माइनस 3 मीन्स नाउ आई एक्सप्लेन वन अनदर मेथड. Here you have a 3. So you should count 3 after up to 9. So here I having a, you also have a fingers, right? And in your fingers you have a boxes like this. So you use this box for do the addition and subtraction. Now while 9 minus 3, so 3 after you start to count and stop at 9. 3 after 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many numbers you get? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you should write down 6 on the ones place. Now go ahead on the tens place. 8 minus 2. Same way, start to count 2 after and stop at 8. 2 after 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, these are 6 box. So you should write down the 6 on the tens place. Understand? Now, 10 and 40 more is. More means again addition. So you should add 10 plus 40. And here again we start the addition first from the ones place. 0 plus 0, you get 0. 1 plus 4.
Now, while the addition is there, though, once again, you should do the same step. You should count start after 1. Okay, and add 4 means you should add 4 steps. So 1 after 2, 3, 4 and 5. Ye 4 box ho gaye. 1, 2, 3, 4 box. Aur usme maine count kya kiya? 1 after 2, 3, 4, 5. So I got on the 10th place 5. So my answer is 15. Now the next one is 9 added to 28 gives. 28 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो वी शुड राइट डाउन 28 प्लस 9 और यू कैन राइट डाउन 9 प्लस 28 आल्सो. ओके, नाउ अगेन वी स्टार्ट द एडिशन फर्स्ट फ्रॉम वन्स प्लेस. 8 आफ्टर यू शुड काउंट एंड ऐड अ 9. ओके, मतलब जब तक आपकी फिंगर्स के 9 बॉक्स तक जो नंबर आता है वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा. 8 आफ्टर यू स्टार्ट टू काउंट फ्रॉम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ओके, तो आई राइट हियर 7 एंड नाउ व्हाट आई से व्हाइल आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन एंड द हेडिंग इज गिव, मतलब देना. अब यहां पे तो 17 आ गया तो मैं थोड़ी उसके बाजू में 1 लिखूंगी, तो वो जो 1 है, जो वो कैरी है, उसको मुझे 2 को देना पड़ेगा, मतलब गिव हुआ है ना. तो जो 1 है वो मैं उस 2 पे कैरी रखूंगी, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3. ओके, द नेक्स्ट वन आई, द सम ऑफ 9 एंड 44 इज, मींस एडिशन यू डू 9 प्लस 44. सेम वे यू शुड स्टार्ट द एडिशन फर्स्ट फ्रॉम वन्स प्लेस. ओके, 9 आफ्टर यू शुड एड 4 स्टेप्स. 9 आफ्टर 10, 11, 12, 13. आई राइट द वन्स प्लेस ऑफ द 13 3 on the ones place and the tens place 1. Again it will be carry. Okay, so carry add in a 4 and I got 5. Okay, so my answer is 53. Now the next one is J. Reducing 98 by 34 gives. Ab reducing ka meaning kya hai? Wo to hume kabhi nahi aaya. आप लोगों ने सुना है कि कभी किसी का वेट बढ़ जाता है तो वो ऐसे बोलते हैं, मुझे मेरा वेट कम करना है, मुझे वेट मेरा कम करना है. कम करना मतलब रिड्यूस करना. ओके, और गेन करना मतलब मेरा बहुत वजन बढ़ गया. गेन मतलब बढ़ गया, मतलब ऐड. पर जब रिड्यूस करना है, मुझे मेरा वेट कम करना है, तब हम रिड्यूस करेंगे. मतलब रिड्यूसिंग मीन्स माइनस आएगा. ओके, तो 98 माइनस 34. अब किसी का वेट 98 है, उसको डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तुझे तेरा 34 वेट रिड्यूस करना है तो ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. तो उसको क्या करना पड़ेगा, 98 वेट में से उसको 34 वेट को कम करना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे. वन अनदर थिंग इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू फर्स्ट, वी स्टार्ट अवर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम द वन्स प्लेस. 8 माइनस 4, व्हाट यू गेट, व्हाट आई टॉट यू फर्स्ट, 4 after start to count and stop at 8. 4 after 5, 6, 7, 8. How many boxes you get? 1, 2, 3, 4. So you should write down the 4 on a 1's place. That after we now go ahead on the next 10's place. 9 minus 3. Same steps. Start count 3 after and stop at 9. 3 after 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many box you have? 6. So you should write down 6 on a tens place. Means your answer is 64. Now the next one, K. 4 and 37 more is. Ab again more. Mere paas 4 chocolates thi. Aur mujhe aur 37 chocolates mili. Matlab badh gayi aapke paas. To ab kya karoge yahan pe? 4 plus 37. Now we should start our addition first from which place? Yes, ones place. Now 4 after 7 steps you count. Okay, on your finger you should count 4 after 7 steps. 4 after 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ones place 1, I write down on a ones place. And the 1 tens place of a 1, I write as a carry on a tens place 3, and it is a 3 plus 1 and I got 4.
टू डिजिट्स कैरी सम मीन्स रीग्रुपिंग एग्जाम्पल्स आई ऑलरेडी टॉट इन योर सेकेंड ग्रेड. एंड लास्ट सैटरडे वर्कशीट आई गेव यू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिंपल. ओके नो वन देर इज अ कैरी और नॉट द बोरोइंग इज देर. बट नाउ इन द नेक्स्ट टाइम आई गिव द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्कशीट ऑफ द कैरी एंड बोरो ऑफ द थ्री डिजिट्स. टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट. टेक अवे ले जाना. ओके अभी आपको पता है कि कोरोना चल रहा है तो होटल्स में सबको खाने जाना हो तो वहां पे क्या लिखा है, टेक अवे द पार्सल. ओके मतलब खाना हमने जो ऑर्डर किया होगा वो क्या कर सकते हैं, हम वहां से लेके घर आ सकते हैं. टेक अवे मतलब लेना. 83 में से हमें 35 ले लेना है मतलब सब्ट्रैक कर देना है. तो हियर यू शुड राइट डाउन 83 माइनस 35. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा, फर्स्ट व्हाट आई आस्क्ड टू यू, वी स्टार्ट अवर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम विच प्लेस. यस वंस प्लेस, बट यू शुड फर्स्ट चेक द वंस प्लेस नंबर वाइल द सब्ट्रैक्शन इज गिवन. सब्ट्रैक्शन जब होता है तब हमें बहुत ध्यान रखना है और वंस प्लेस के दोनों नंबर्स को अच्छे से देखना है और उसको कंपेयर करना है, क्योंकि डायरेक्ट हर बार सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, है ना. यहां पे वंस प्लेस पे नंबर है 3 माइनस वंस प्लेस 5. 3 माइनस 5, अब ये कैसे हुआ कि मेरे पास 3 चॉकलेट थी और मैंने 5 खाई, ऐसा हो सकता है कभी? तो उसके लिए तो मुझे ज्यादा चॉकलेट्स चाहिए, तो मुझे किसके पास से मांगनी पड़ेगी, जो 10th place का नंबर है उसके पास से. ओके तो उसको कहते हैं बोरोइंग. ये जो हम लेते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं और आगे वाले जो नंबर से हम लेते हैं उसको हम बोरोइंग कहते हैं. अंडरस्टैंड. एंड वन अनदर थिंग इज दैट कि जब हम बोरो करते हैं तब आपने देखा होगा कि बोरो करते हैं तो उसमें से तो एक नंबर कम हो ही जाने वाला है, पर जब वो देता है ना तब वो हमें 10 देता है. वो क्यों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आप लोगों को मैंने सेकेंड चैप्टर में जब आपको मैंने एबेकस सिखाया था, राइट, तो वंस टेंस एंड हंड्रेड. अब आप देख रहे होंगे कि वंस मतलब 1, 10 मतलब 1010 एंड 100 मीन्स 100. आपने देखा एक 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 जीरो बढ़ा, मीन्स जब हम उसके पास से लेंगे ना तो वो 10 वो हमें वापस देता है. मतलब यहाँ पे वो 10 मैं ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 13 और मैंने 8 के पास से लिया है तो 8 में से एक कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगी 7. अब 13 माइनस 5, अब तो पॉसिबल है कि मेरे पास 13 चॉकलेट्स और मैं 5 तो खा ही सकती हूँ. ओके तो मैं कैसे सब्ट्रैक्शन करूंगी, यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना है, 5 आफ्टर 13 तक हमें काउंट करना है. 5 आफ्टर 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके नाउ आई काउंट ऑल द बॉक्सेस हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो आई राइट 8 ऑन द वंस प्लेस एंड द नेक्स्ट आई गो हेड ऑन द टेंस प्लस सब्ट्रैक्शन. Here 7 minus 3. So I start to count 3 after and stop at 7. 3 after 4, 5, 6, 7. How many boxes you get? 1, 2, 3, 4. Then you should write down the 4 on a tens place and you got the answer 48. What you do children, आपको जो ये सारी blanks मैंने करवाई है उसका जो भी answer आया है उसके related color या तो फिर square करो या फिर circle करो, वो आपको ये जो aunt का house है उसमें करना है. Okay, thank you.